हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप्स बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर आई एम स्टूडेंट्स की वेबसाइट्स के ऊपर मैंने ऑर्डर किया था DJI माइक, जो कि मेरे पास पहुंच चुका है। तकरीबन डिलीवरी थोड़ी सी लेट होगी, उसलिए थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। अदरवाइज़ प्रोडक्ट मेरे पास रिसीव हो गया। तो आइए खोलते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी था, कुछ पेमेंट मैंने ऑनलाइन करी थी इसकी। तो फाइनली ये ऑर्डर मेरे पास आ चुका है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसके ऊपर सब कुछ मेंशनड है आई एम स्टूडेंट्स की तरफ से। तो मैं इसे अभी की के साथ अपना खोलने जा रहा हूँ, इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं इसके अंदर हमें सच में क्या उन्होंने भेजा है या कुछ फेक हो भी सकता है, बिकॉज स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। सो बेसिकली तो मैं अभी इसे अपनी की के साथ खोलने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही मुश्किल से, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड भी, थोड़ा नर्वस भी और डरा भी हूँ, बिकॉज कुछ नहीं पता होता। कभी कभार प्रोडक्ट ओपन करते सारी हमें कुछ और ही मिलता है। तो काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम खोलने की, बिकॉज़ जैसे ही मेरे हाथ में प्रोडक्ट आया तो मैंने प्रोडक्ट को ना इधर रखा ना उधर रखा, एक्साइटमेंट में वीडियो ऑन करके इसको खोलना स्टार्ट कर दिया है। तो फाइनली गाइस, किसी भी कैसे भी करके मैंने इसको ओपन तो कर लिया। साइड में फॉर्म देख के तो पहले मैं डर ही गया था, ये क्या है। ऊपर से फिर ये मुझे जब दिखा इनका एक चिट, तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा कि हाँ इसमें प्रोडक्ट हो सकता है। तो फाइनली मैंने प्रोडक्ट को ओपन कर लिया है। अब हम प्रोडक्ट को पूरा ओपन करके देखते हैं तो इसमें अब हमें क्या मिलता है। तो फाइनली थोड़ा सा रह गया पीस, मैं निकाल दूँ इसको। यस, तो फाइनली सर गाइस ये मैंने कर दिया है ओपन। तो साइड में ये रखे हैं। ओ नो, सीरियसली गाइस, वाकई में इन्होंने मुझे DJI माइक ही भेजा है। तो बहुत एक्साइटेड था मैं इसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ मैं ज़्यादा वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, पर मेरे को पता नहीं क्यों गैजेट्स बाय करना बहुत पसंद है। 1 ईयर इंडिया वारंटी विद बिल, बिल के साथ हमें ये मिला है, 1 साल की इंडियन वारंटी है। और बैक साइड पे देखते हैं तो बैक साइड के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। MRP इसकी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है इसमें, 50,000 नियर, 45,000 नियर अबाउट है। तो बहुत ही प्रीमियम अच्छा। और सो फाइनली गाइस मेरे पास आ चुका है DJI माइक। तो अब हम इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो बेसिकली तो ये वीडियो अनबॉक्सिंग और फेक और स्कैम के ऊपर है ये वीडियो, बट फिर भी मैं इसको करता हूँ अब ओपन। तो फाइनली मैंने वो इसको ओपन करना शुरू कर दिया है। देखते हैं इसके अंदर हमें किस तरीके से ये रिज़ल्ट देता है, किस तरीके से हमें इसकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होती है, और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी बेस्ट वीडियोस बनाने के लिए, क्रिएटिविटी करने के लिए। तो फाइनली इसको जल्दी से मैं खोल लेता हूँ। और इसके साथ तो साइड साइड वाले भी वारंटीज़ वगैरह जो लिखी हुई हैं वो भी ख़राब हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि नीचे से खींच लेके निकाल लेता हूँ। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। साइड पे रखने के बाद हम बॉक्स के ऊपर चलते हैं। बॉक्स के ऊपर जैसे कि मैं अभी तक बॉक्स देख देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि DJI माइक का ये बॉक्स है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही प्रीमियम है, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है ये। तो अब हम इसको करते हैं ओपन। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जैसे कि बॉक्स के आगे पीछे हमें कहीं ना कहीं से ओपनिंग का मिल गया, ये है ओपन करने के लिए। बस यहाँ से हमें ये टेप को उतारना होगा, देन उसके बाद ही ये ओपन होगा। चलिए गाइज़ मैं इसको एक बार टेप को उतारता हूँ, उसके बाद फिर इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा है और किस तरीके से हम इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने टेप को पूरा ही एक बार में निकाल दिया, मैंने सोचा कि बार बार कौन इसको लगाएगा, तो ये टेप उतर चुकी है। अब हम बॉक्स को करते हैं ओपन। तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया सीधा रख कर, देन ओपन करते सारी इसमें सबसे पहले तो ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है बहुत अच्छा, उसके बाद ये एक छोटा सा बॉक्स है। और इस बॉक्स को पहले हम ओपन करते हैं, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें एक क्या मिलता है। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक ये पाउच आ जाता है DJI की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी
क्वालिटी का है, जिसके ऊपर लोगो भी है, और इसके अंदर मुझे लगता कुछ है। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि इसके अंदर ये विंडशील्ड है और दो आई थिंक विंडशील्ड्स हैं, जी दो विंडशील्ड्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ केबल्स हैं, एक तो सी टाइप केबल है और दूसरी आपकी कैमरे के साथ लगाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए केबल है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ हमें इन्होंने प्रोवाइड करी है, तो मैं इसको साइड पे रखता हूँ। इसके बाद मुझे जो करना है बॉक्स ओपन, और उसके बाद मुझे उसमें निकालना है अपना DJI माइक। देखते हैं कि DJI माइक जो है वो कैसा है, हमें किस तरीके से दिखता है। तो इसके बाद मैं DJI माइक इसको रखता हूँ साइड पे, इसको हम रखते हैं अब साइड में। तो इसके बाद जो है अब हम बॉक्स को करेंगे ओपन और उसमें से निकालेंगे ट्रांसमीटर और माइक्स को। और फाइनली गाइस वाओ, क्या प्रीमियम क्वालिटी के साथ है, वाओ गाइस सीरियसली, हाथ में पकड़े हुए तो ऐसे लगता है जैसे कि एक पावर बैंक जैसे कुछ है हमारे पास, या एक ऐसे बोल सकते हो कार्ड रखने वाला वॉलेट समथिंग कुछ भी। और हम इसको अब साइड पे करते हैं। साइड में करने के बाद फिर अब हम इसको देखते हैं, क्या बात है सच में गाइस, एक बार तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मेरा कोई DJI का कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मैंने बाय किया है सिर्फ आप लोगों को एक अनबॉक्सिंग वीडियो देने के लिए। तो इसके साथ हमें बैक साइड मिलती है सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट, और नीचे देखते हैं काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, स्कैनर भी है मिला है हमें, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो साइड में देखते हम इसको अब करते हैं ओपन, तो ऐसे रखे हुए गाइज एक बार लुक लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटी, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है। खोलते सार ही आप देख सकते हैं ट्रांसमीटर के अंदर हमें 3 लाइट्स मिल रही हैं, और जो माइक्स हैं उनके ऊपर भी ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसमें हमें सी टाइप के लिए, सी फोन्स के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए एक अलग से मिल गया। और ये देखिए आप ट्रांसमीटर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी, DJI ने ट्रांसमीटर की क्वालिटी है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं क्लिप और मैग्नेट दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं, अगर हम इसको बाहर की तरफ लगाना चाहें तो क्लिपिंग कर सकते हैं। और ये मैग्नेट देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो आप फिंगर के साथ निकालना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इसके साथ हमें ये मिलती है मैग्नेट, जिसको हम कॉलर की या किसी शर्ट या किसी के अंदर हम इसे लगा के हिडन कर सकते हैं। दो ट्रांसमीटर हैं आपको मिलते हैं इसके साथ, दोनों ट्रांसमीटर के साइड्स के ऊपर आप देख सकते हो, दोनों की अपनी अपनी MB होती है इसमें, कुछ GB मिलती है आई थिंक। और उसमें आप देख सकते हो अगर आपको इंडिविजुअली रिकॉर्डिंग करनी है तो वो भी आपको इसके अंदर इजीली मिल सकती है, विदाउट आप किसी फ़ोन या कैमरे के साथ अटैच करे बिना भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस बैक साइड देख सकते हैं आप, दोनों बिल्कुल ही एक जैसे सेम है, एक लेफ़्ट और एक राइट, ऐसे नहीं बोल सकते, ये दो ट्रांसमीटर हैं जो कि 2 पर्संस कन्वर्सेशन के टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। और आप बीच में देखिए प्रीमियम क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का, और ये देख सकते हैं अब ये कैमरे के लिए होता है। तो पीछे बैक साइड पे DJI इसके ऊपर ट्रांसमीटर के ऊपर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब हम आज की डेट जो है वो सेट करेंगे, मुझे भी याद नहीं है कितनी डेट है, तो मैं फ़ोन में देख के आज जो तारीख है आज की तारीख पहले हम सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएगा टाइम, टाइम के लिए अभी मुझे फर्स्ट है इसलिए मुझे भी इतना चलाना नहीं आ रहा, मेरे को पता लगा कि इसको डाउन डाउन करके चलाना पड़ता है। तो गाइस बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने हमें दी है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, और इसकी फुली स्क्रीन टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के साथ हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं अपनी, हर एक चीज़ आपको ये टच में मिलेगी। तो जैसे कि मैंने इसमें फर्स्ट इसमें डेट एंड टाइम दोनों ही मैंने इसमें कर दिया सेट, तो फाइनली ये हमारा आ गया है गेन पावर के लिए, जिसमें आपके माइक
आपकी जो जितनी भी वॉइस रहेगी गेनिंग की, वो आपको सारी इस ट्रांसमीटर के थ्रू दिखती रहेगी। तो ये बैक साइड पे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने पहले कोशिश कर रहा हूँ इसको लगाने की, पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर उसके बाद मैंने जब इसका कार्ड को इसके कार्ड को रीड किया, देन उसके बाद मुझे पता लगा ये कैमरे के लिए यूज़ होता है। कैमरे के ऊपर अब इसको अटैच करना हो तो आपको इसके बीच में बस ऐसे क्लिक करना है, ऐसे इसको क्लिक करके फिर उसके बाद आप कैमरे के साथ इसको अटैच कर सकते हैं ईज़िली। ये बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे फर्स्ट में पहले समझ नहीं आया। तो हमारा मेन जो है वो ISO के साथ है, तो हम इसे इसके साथ अटैच करेंगे और फिर उसके बाद ISO की रिकॉर्डिंग करेंगे, और मैं आपको इसकी वॉइस टेस्ट भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज मैं बता दूं कि इसकी जो वॉइस टेस्ट है, वो जो अभी आप मेरी आवाज़ सारी की सारी सुन रहे हो, वो इस टाइम DJI माइक की आवाज़ है। तो मैंने जितनी भी ये वीडियो पहले बनाई और उसके बाद इस DJI माइक से आईफोन में एडिट करके, आईफोन से रिकॉर्ड करके इस वीडियो को मैंने आप सभी को दिखाया। तो गाइज़ आप सभी को इसकी आवाज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप इस लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो और मेरा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। जाते जाते मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि आप सभी को किस तरीके की और कैसे कैसे और गैजेट्स की वीडियो देखनी है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मेरी gmail ID में जाके बता सकते हैं, जैसा भी आप सभी को पसंद आए। तो अभी आप सुन रहे हैं मेरी DJI माइक के ऊपर आवाज़, जो आवाज़ आप मेरी सुन पा रहे हैं वो है DJI माइक के ऊपर। तो दोस्तों बताना आप सभी को मेरी आवाज़ कैसी नज़र आ रही है, कैसी लग रही है। अगर आप सबको मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है तब भी बता दीजिए, बहुत अच्छी आ रही है तब भी बता दीजिए। एक बार मैं इसको अपने कॉलर्स के ऊपर लगाता हूँ। जी मैंने अपने कॉलर के ऊपर लगा लिया। तो ये था हमारा DJI माइक के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो आप सबको अच्छी लगी हो, होप सो अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और आने वाले चैनल पे और अमेजिंग वीडियोस को आप देख सकते हैं। दिस वन इज़ DJI माइक वायरलेस।